जीवन के प्रत्येक अंगों को नियमित रूप से निर्मित करने को ही कला कहते हैं। चित्रकला एक भाषा है और कला के सात तत्व हैं, रेखा, रंग, आकार, राश, मूल्य, अंतरिक्ष और बनावट। चित्रकला में रेखा का विशेष महत्व है। रेखा में भावात्मक गुण होते हैं। इसके प्रयोग से कलाकार विभिन्न प्रकार के भावों को अपने चित्र में दर्शाता है। मैं चित्रकला में रंग जोड़ता हूँ क्योंकि वे उन्हें अर्थ देते हैं। कलाकार की भावनाओं और प्रेरणाओं को व्यक्त करने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, प्रभाव, मनोदशा, गहराई दिखाने के लिए चित्रों रंग पर अत्यधिक निर्भर होती है। अब मैं मेरी शैली के बारे में विस्तार में वर्णन करना चाहता हूँ। मैं भारतीय सुप्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा की चित्रकारी से काफ़ी प्रभावित था। उसी को देखते मैंने अपनी एक अलग शैली तैयार की। हिंदू पौराणिक कथाओं जैसे रामायण, महाभारत पर मैंने काफ़ी काम किया। आजकल मैं संगीत, भारतीय देवी देवताओं, भारतीय नृत्य और कभी कभी यूरोपियन शैली का भी प्रयोग करता हूँ। रंग और आकार का प्रयोग करके भारतीय संस्कृति को कल्पनाशील ढंग से प्रस्तुत करता हूँ। मैं लाल, हरा जैसे विपरीत रंगों का काफ़ी प्रयोग करता हूँ। ज़्यादातर चित्र मैंने एक्रेलिक रंग में ही बनाई है, क्योंकि आज के आधुनिक और तेज दौर में लोग ज़्यादातर एक्रेलिक रंग ही पसंद करते हैं, क्योंकि इसके प्रयोग से चित्र और कम समय में तैयार हो जाते हैं। और आशा करता हूँ कि कला का सफ़र भारत में इसी तरह आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।